हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग जिंदगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई सी रेसिपी जो कि क्रिसमस स्पेशल है। और ये रेसिपी बेसिकली यूके में क्रिसमस टाइम पे ही बनाई जाती है और इसे बोलते हैं ब्रसल स्प्राउट्स। और मैंने आपको आई थिंक अपने एक पुराने वीडियो में दिखाया भी था। सो ब्रसल स्प्राउट्स के बारे में खासियत है कि ये एक्चुअली में इसका जैसे नेम डिराइव्ड है ब्रसल्स, तो ये बेल्जियम के ब्रसल्स में ही ज़्यादा पाई जाती थी। तो ये फेमस भी उसी जगह के नाम से ही हुई है, इसीलिए इसका नाम ब्रसल स्प्राउट्स पड़ा है। और बेसिकली ये जो ब्रसल स्प्राउट्स होते हैं ये सीजनल वेजिटेबल में आती है, लाइक आपको हर पूरे ईयर नहीं मिलेगी। और इसे बोलते हैं कि ये लेट फॉल में और अर्ली विंटर में मिलती है, और जबकि वो जो कि क्रिसमस का टाइम होता है। सो क्रिसमस में बेसिकली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि उसका फ्लेवर ही अलग ढंग से आता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि विंटर्स में आती है, या कुछ ऐसी जो बेसिकली समर्स में आती है, तो उनकी जो लाइक क्या बोलते हैं फुटेज होती है या उनका जो लाइक इंपॉर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर टाइम पर आती है। तो ऐसे ही ब्रसल स्प्राउट्स का भी सीन है यहाँ पर। और ब्रसल स्प्राउट्स के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि जो इसका लाइक न्यूट्रिएंट होते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, और कैलोरीज में ये बहुत ही लो है। और ये एक कैबेज की ही कैटेगरी है, लाइक जो हमारी बंद गोभी आती है या कैबेजेस आते हैं तो उसी कैटेगरी का ही एक वेजिटेबल है। और इसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है, विटामिन के है, विटामिन सी, विटामिन ए एंड फोलेट। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लाइक यू नो लाइक आई एम नॉट लाइक क्या बोलते हैं उसको फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं नहीं हूँ, बट जो जितना कि मैंने गूगल किया है उससे मुझे पता चला है कि ये बहुत ही रिच होता है विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन ए में। और प्रोटीन्स कम होते हैं एंड कैलोरीज ऑल्सो लाइक वेरी लाइक मिनिमम होती है, बट इट्स वेरी गुड इन फाइबर, विटामिन के एंड विटामिन सी। इट मीन्स कि इट्स वेरी गुड फॉर द वेट लॉस। जैसे कि हमें पता है कि कैबेज जनरली वेट लॉस में बहुत ही इफेक्टिव होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये स्पेशल रेसिपी ब्रसल स्प्राउट्स की, वो भी इंडियन स्टाइल में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप करिए। सो फ्रेंड्स, ब्रसल स्प्राउट्स यहाँ पे मार्केट में इस ऐसे फॉर्म में मिलता है, लाइक सेपरेटेड फॉर्म में। और मैंने इसे देखिए, आप इसको देखने से भी ये ऐसा लग रहा है ना कि छोटे छोटे से कैबेज है, लेयर्स होती हैं बेसिकली, इसमें भी लेयर्स होती हैं और टेस्ट भी बहुत सिमिलर होता है कैबेज के जैसा ही। और मैंने इसे वॉश आउट कर लिया है और मैं इसे अब चॉप करूँगी। और चॉप करने इसको बहुत इजी है क्योंकि बस आपको इसे दो पार्ट्स में ही ब्रेक करना होता है। सो दोस्तों, ये पूरी तरीके से चॉप हो चुके हैं और कुछ पीसेस को मैंने लाइक फर्दर भी कट कर लिया था, लाइक 4 पीसेस में कर लिया था ताकि थोड़ी छोटे और जब हम इसे बनाएं थोड़े क्रंची हो जाए। और मैंने क्या किया है, इसमें अपना थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल के इसे रोस्ट करा है धीमी आँच पर, जैसे कि जिससे कि क्या होगा कि इसका फ्लेवर अच्छे से चला जाएगा और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो मैंने क्योंकि मैंने जो ब्रिटिश पीपल हैं वो इसे बटर से रोस्ट करते हैं, बट हम तो बाबा इंडियन हैं तो हमने अपनी स्टाइल में ही इसे बनाया है। सो बस कुछ नहीं किया है मैंने, इसे थोड़े से ऑयल में गरम करके और ये जो स्प्राउट्स हैं जिसको कि मैंने हल्दी और रेड चिली से मतलब उसमें लगा के रखा था, और बस डायरेक्ट मैंने इसको रोस्टिंग के लिए डाल दिया है। और इसे मैं धीमी धीमी फ्लेम पे सिम में इसे रोस्ट करूँगी, जिससे कि क्या होगा कि ये कुक भी हो जाएगा और जो जो इसका टेक्सचर है वो क्रंची हो जाएगा। तो जब तक ये क्रंची हो रहा है मैंने अनियन चॉप कर लिए थे, टमाटो चॉप कर लिए थे,
ग्रीन चिली ही ले लिया था और जिंजर को भी मैंने ग्रेट करके ले लिया था, और मैं इसके साथ ही अपने नॉर्मल गरम मसाले के साथ में ही अपनी ये सब्ज़ी बनाऊंगी, लाइक जैसे कि हम जनरली इंडियन प्रिपरेशन करते हैं। और ये देखिए, ये हमारा स्प्राउट्स रोस्ट हो चुके हैं और अब बस मैं इसका तड़का लगाने जा रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने अजवाइन यूज़ करी है, आप क्यूमिन सीड यूज़ कर सकते हो, बट अजवाइन बोलते कि थोड़ा सा विंटर्स में फ्लेवर लाइक डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। मैंने हींग डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने अपने चॉप्ड अनियन डाल दिया है और इसे रोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अनियन को रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर। जनरली मैं जब प्याज अनियन को रोस्ट कर लेती हूँ, मतलब प्याज को रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं अपना मसाला डालती हूँ, और उसके बाद मैं अपना टमाटो प्यूरी और टमाटो चॉप टमाटो वॉट एवर यू हैव आप उसके बाद मैं डालती हूँ। सो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सब फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अभी मैंने जब टमाटो आपका हो चुका है तो मैंने अपने ब्रसल स्प्राउट्स डाल दिए हैं एंड थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट डाला है, जस्ट लाइक जो हम नॉर्मल स्वादानुसार नमक डालते हैं वैसे ही। और जब ये कुकिंग, ये देखिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और ये हमारी सब्ज़ी बन गई है लगभग। और मैंने इसमें ऊपर से ग्रीन चिलीज एंड ग्रेटेड जिंजर डाला है, जिससे कि क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा सा रॉ फ्लेवर सब्ज़ी के ऊपर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद में मैंने इसमें ऊपर से किचन किंग मसाला डाला है, जो कि जनरली मैं अपनी सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, और हमें यहाँ पे इंडियन स्टोर में ये इजीली मिल जाता है, क्योंकि गरम मसाला तो मेरे लाइक यू नो आई कान डू। और ये मैंने एक नया ट्विस्ट दिया है इसमें राइस फ्लावर का, जिसको कि मैंने रोस्ट किया है और ऊपर से स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा रोस्ट किया है, यू नो जैसे कि हम करते हैं बेसन की सब्ज़ी के साथ में। और लाइक हम इसमें बेसन भी डाल सकते हैं साथ में, कोई भी ऐसा फ्लावर जो क्रंची फ्लेवर दे। तो मेरे को लगा कि राइस फ्लावर से थोड़ा क्रंची फ्लेवर आएगा और खाने में टेस्ट बढ़ जाएगा। और इवन आप राइस फ्लावर की जगह आप बेसन भी डाल सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारी सब्ज़ी लगभग क्या, हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और ये पूरी तरीके से रेडी है। इसको मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिया है और इसको मैं गार्निश करूँगी लेमन से एंड कोरिएंडर से। और ये जो कोरिएंडर है, ये लाइव कोरिएंडर है, जो कि मैं यहाँ पे मिलती है लाइव कोरिएंडर एंड लाइव पुदीना आल्सो। सो मैंने बस इसको यहाँ से प्लग करके डायरेक्ट मैंने इसको टॉप ऑफ द सब्ज़ी डाल दिया है। और मतलब आप अंदर भी कट करके डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला बट मैं भूल गई एक्चुअली। बट इसको डालने से फ्लेवर, धनिया से तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस दोस्तों, हमारा ये ब्रसल स्प्राउट्स की क्रिसमस स्पेशल सब्ज़ी तैयार है। और जो लोग यूके में रहते हैं, हमारे भारतीय, हमारे देसी लोग, वो इसको ट्राई करें, क्योंकि जनरली हम देखते हैं बट हम खरीदते नहीं, हमें लगता पता नहीं क्या सब्ज़ी है, कैसा फ्लेवर होगा। दोस्तों ट्राई करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा खुश रहिएगा और ज़िंदगी के मज़े लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।